बिछ गई है चुनावी शतरंज के बिसात। कौन होगा तुरुप का इक्का, कौन बनेगा सियासत का बादशाह? किसका पलरा होगा भारी, किसके राज तिलक की है तैयारी? 24 का रण कुंभ, लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल यानी आने वाले शुक्रवार को है। जबरदस्त सियासी संग्राम चल रहा है। यूपी में मुलायम सिंह यादव परिवार से 5 लोग इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव फिर से मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। फिर से पूरा परिवार एकजुट नजर आने लगा है। यादव परिवार की एकजुटता का नजारा मंगलवार को मैनपुरी में दिखाई दिया। दरअसल चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी पहुंचे थे। मुलायम परिवार की बहू और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव वहां से चुनावी मैदान में हैं। शिवपाल यादव मंच पर थे, डिंपल मंच पर पहुंची और उन्होंने तुरंत चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिवपाल यादव ने बहू डिंपल यादव को संगठन और पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं से परिचय भी कराया। डिंपल ने उनसे भी पूरे आदर के साथ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस दौरान सपा के समर्थक पूरे जोश में नजर आए। यहां डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव का स्वागत फूल माला पहनाकर पूरे उत्साह के साथ किया गया। ये जनसभा जसवंत नगर विधानसभा के रामलीला ग्राउंड में हुई। डिंपल का बड़ों के प्रति सम्मान और सादगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। डिंपल अपने जमीन से जुड़े अंदाज के लिए हमेशा से चर्चा में रही है। चुनावी घमासान के बीच जब सियासी दल और प्रत्याशी अपने विरोधियों पर हमले के दौरान टिप्पणी के निचले स्तर तक चले जाते हैं, ऐसे में डिंपल अपने विरोधियों के लिए भी कभी तीखे शब्द इस्तेमाल नहीं करती और हमेशा मुस्कुराते हुए सवालों का जवाब देती है। उपचुनाव की तरह ही फिर से डिंपल यादव के लिए परिवार का हर सदस्य मैनपुरी में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले कन्नौज से सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव सोमवार को मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। धर्मेंद्र यादव भी वहां जा चुके हैं। नामांकन में शिवपाल के साथ खुद अखिलेश यादव भी मौजूद थे। बता दें कि मैनपुरी में बीते 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह यादव को हरा कर जीत दर्ज की थी। इस उपचुनाव में डिंपल यादव ने करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अब इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी और योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।